हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम रोशनी है और आज मैं आपको बताऊंगी कि HDFC बैंक में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो गाइस, बहुत सारे आप लोगों के भी क्वेश्चन थे कि ये जो आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद कैसे आपको पता चलता है कि आपने जो है कैसे आप सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये HR के थ्रू ही होता है। इंटरव्यूअर का काम होता है कि उसने आपका इंटरव्यू ले लिया, लेकिन बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए आपको जो ईमेल आईडी आपकी रहती है उस पर HR आपको कॉन्टेक्ट करता है। अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो HR आपको एक मेल भेजेगा, उसमें आपको आई कंफर्म करके उसे रिवर्ट देना होगा। फिर आगे के जो प्रोसेस हैं, आपके डॉक्यूमेंट ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे, आपके सर्टिफिकेट सारे उसमें अपलोड करने पड़ेंगे। फिर ये सब प्रोसेस जब हो जाएगा तो फिर वो आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। जो HDFC बैंक में जो ट्रेनिंग होती है वो 12 या 15 डेज़ की होती है। मेरी तो 12 डेज़ की हुई थी। और ट्रेनिंग प्रोसेस में जो सारा जो काम होता है वो सब बैंक के थ्रू ही होता है। और ट्रेनिंग पीरियड जो है उसको हनीमून पीरियड भी कहते हैं बैंक के टर्म्स में, क्योंकि उस ट्रेनिंग पीरियड में आप सीखते भी हो कि क्या क्या आपको बैंक की क्या क्या फंक्शंस हैं बैंक के बारे में। इनिशियल से वहाँ पे जो टीचर होते हैं बैंक की तरफ से, जो इंचार्ज होते हैं, तो एक जो ट्रेनिंग उन लोगों का अलॉट होता है कि इस जगह एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो मेरी जहाँ ट्रेनिंग हुई थी वो लखनऊ थी, जो हेड ऑफिस था वहाँ ट्रेनिंग हुई थी। और ट्रेनिंग में जो इनिशियल से ही आपको बताते हैं बैंकिंग टर्म्स के बारे में, एग्जांपल देते हैं आपको और बैंक के बारे में आपको बताते हैं, ब्रॉड डिटेल बताते हैं बैंक कब से एस्टेब्लिश हुआ है, बैंक के क्या क्या फंक्शन हैं, बैंक में क्या क्या करना है। और उसमें जो है आपको क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट भी दिया जाता है जो कि ट्रेनिंग पीरियड में ही करना होता है। और आपको प्ले भी कराया जाता है और उसमें सेल्स भी सिखाई जाती है कि आपको सेल्स कैसे करनी है, क्या करनी है। तो मेरा तो असिस्टेंट मैनेजर का था, मतलब मेरा ऑपरेशन प्रोफाइल था, बट कहने को ही ऑपरेशन प्रोफाइल होती है HDFC बैंक में। उसमें लिखा होता है सर्विस टू सेल्स, मतलब आपको सर्विस भी करनी है और साथ में सेल्स भी करनी है आपको। तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 9 o'clock से स्टार्ट होता है और शाम के 7 बजे तक वो चलता रहता है। उसमें जो खाना हो गया और लंच हो गया, टी हो गई, ये सब बैंक की तरफ से ही होते हैं। और वहाँ क्या खाने होते हैं यार, और जो रहने की जगह होती है वो बैंक ही देता है आपको। बैंक एक होटल देता है जिसमें आप रह सकते हो, और एक हेड ऑफिस होता है उसमें आपको डेली आपको उस होटल से आपको वहाँ जहाँ पर ट्रेनिंग होती है वहाँ आना पड़ता है आपको। और हमारा जो होटल था काफ़ी 5-star होटल था, वो बहुत अच्छा होटल था वो। और एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, और क्या बोलते हैं, मतलब मुश्किल से जो ट्रेनिंग पीरियड में जो है मुझे लगता है मतलब 30 लोग होंगे ट्रेनिंग पीरियड में जो ट्रेनिंग लेते हैं, लड़के लड़की मिला के। और वो लोग ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग जगह से होते हैं। मेरे साथ तो उत्तराखंड के भी थे, यूपी लोकेशन के भी थे। और ये कोविड से पहले ही हमारी ट्रेनिंग पीरियड हुई थी। तो अब तो कोविड में क्या हो गया है कि जो ट्रेनिंग हो रही है ऑनलाइन होना शुरू हो गई है, बट हमारे टाइम में तो ऑफलाइन ट्रेनिंग थी और उसके काफ़ी कुछ हम लोग को सीखने को मिला था उस ट्रेनिंग से। फिर ये क्या होता है, जो हमारा जिनका सैलरी अकाउंट नहीं है HDFC बैंक में, क्या करते हैं वहाँ पे, जो सैलरी अकाउंट आपका वहीं पे ओपन हो जाता है जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है। तो सैलरी अकाउंट के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपके सैलरी अकाउंट नहीं है, HDFC में कोई अकाउंट नहीं है आपका तो कैसे सैलरी अकाउंट होगा। सैलरी अकाउंट के लिए आपका ट्रेनिंग में ही हो जाता है और क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई हो जाता है। वैसे तो क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, बट क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई हो जाता है वहाँ पर। और यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग में भी बताया जाता है ग्रूमिंग कैसे करनी है, कभी हाइपर नहीं होना है, कस्टमर से कैसे बात करना चाहिए और कैसे डील करना चाहिए आपको। और HDFC बैंक अच्छा बैंक है, उसमें जो होता है काफ़ी ऑपरेशंस फील्ड है। ऑपरेशंस फील्ड मतलब कि उसमें अगर आप कोई ऑपरेशन फील्ड में जाते हो तो कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है। उसके लिए ऑथराइजेशन के लिए आपकी जो सीनियर अथॉरिटी उनके पास जाता है, वो ओके कर देंगे, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन फुलफिल होगा। तो ये था ट्रेनिंग पीरियड जो कि मेरा जो है 12 दिन का था, और 12 दिन मैंने फुल्ली इंजॉय किया। वो बेस्ट दिन है ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद जब ज्वाइन किया तो तब पता चला असली लाइफ क्या है। तो ये था ट्रेनिंग पीरियड जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको और भी ट्रेनिंग के बारे में जानना है, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या होती है, तो डेफिनेटली आप मुझे शेयर करिएगा कमेंट में, मैं आपको बताऊँगी ट्रेनिंग पीरियड
सबको करना चाहिए। और ऑफलाइन ट्रेनिंग पीरियड का काफ़ी मीनिंग भी होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में तो आप कैमरेज होते हैं और 5-6 लोग साथ में होते हैं, 5-6 क्या मतलब 10-15 लोग साथ में होते हैं, उसमें जो इंचार्ज होता है वो बोलता जाता है, एक तरफ आप लोग सुनते जाइए, कान से अवॉइड करते जाइए, वीडियो भले ही ऑन हो बट फिर भी उतना मज़ा जितना ऑफलाइन में ट्रेनिंग में आता है उतना ऑनलाइन में नहीं आता है। मेरी तो ऑफलाइन ट्रेनिंग HDFC के बाद मेरे कोटक महिंद्रा बैंक में भी मैंने जॉब किया था, तीसरी जॉब थी मेरी कोटक महिंद्रा बैंक में, तो वहाँ तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। फिर SUD में भी मैंने जॉब किया तो वहाँ भी ऑनलाइन ही ट्रेनिंग हुई, बट मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग HDFC बैंक की काफ़ी अच्छी थी। तो कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कैसे लगते हैं मेरे वीडियोज़ आप लाइक करिए और बताइए मुझे। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखिए ये कुछ फ़ोटो है ट्रेनिंग की, ये होटल एरिया का है जो हमें रूम मिला था, और यहाँ हम खाना खाने आते थे, खाना में काफ़ी टेस्टी था यार, और खाना बिल्कुल फ्री था, ट्रेनिंग का कोई कॉस्ट नहीं था कि आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। ये देखिए मैं पोज मारती हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये ट्रेनिंग के अंदर का है जहाँ हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर था, ये ब्रेक मिला हुआ था तो मैंने सोचा चलो कुछ सेल्फी खींच लेते हैं। और कैसी लग रही हूँ मैं, कैसा मेरा लुक लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये मेरे साथ की लड़कियाँ जो हम लोग होटल से आते थे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए, देख सकते हैं लोगों लगा हुआ है HDFC बैंक का। और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, ट्रेनिंग सेंटर की काफ़ी टेस्टी चाय रहती थी वहाँ की। ये देखिए हम सबको अपना डेस्कटॉप मिलता था जिसमें हम अपनी चीज़ें लॉग इन कर सकते। ये होटल का एरिया है जहाँ का खाना यहाँ का नाश्ता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था बैंक की तरफ से, बिल्कुल फ्री। ये देखिए मैं पोस्ट कर रही हूँ, ये देखिए मैं चाय पी रही हूँ जाते हुए हम लोग ट्रेनिंग के टाइम। ये मेरी लास्ट डे की पिक है, चलिए बताइएगा कैसा रहा मेरा वीडियो, बाय।